एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरनगर। नानी आई हुई थी बहुत दिनों से, मैं भी अभी मायके में ही हूँ अपने। सो नानी आई थी, वो भी मेरे साथ ही आई थी, तो उनको हम वहाँ पर छोड़ देंगे। मामा का बेटा उनको लेने आ जाएगा मुजफ्फरनगर। और मम्मी ने कियांश के नाम का प्रसाद बोला हुआ था, तो प्रसाद भी हम लोगों को चढ़ा कर आना था, तो सोचा इसी बहाने नानी को भी हम छोड़ देंगे। तो फाइनली चुनचुन भी अब अपने घर जा रही है। ये देखिए चुनचुन कैसी एक्साइटेड है। सो देख चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मुजफ्फरनगर कैसा है। और शिव चौक है वहाँ पर, शिव चौक पर हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, दिखाते हैं। तो हम लोग सब जा रहे हैं, देखिए ये है कियांश की मौसी, ये नानी, और पीछे चुनचुन बैठी है, और मैं मम्मी को दिखाती हूँ। ये मेरी मम्मी है, मम्मी आगे बैठी है, और ये भाई है मेरा, ये ड्राइव कर रहा है। तो हम लोग सब जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे शिव चौक पर पहुँच कर। गाड़ी में ना एक्चुअली यहाँ पर रोड थोड़ी ख़राब है, तो इसीलिए गाड़ी में अच्छे से वीडियो बन नहीं पा रही है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट। सो कियांश अभी सो रहा है, ये ना कार में बैठते ही सो जाते हैं, और कियांश की वजह से मुझे तो हमेशा अपना मतलब बन बना के रखना होता है, क्लचर लगा के रखना होता है। इसने अपना भी शैम्पू किया था, इसलिए इसके बाल खुले हुए हैं। चुनचुन ने भी अपना हेयर स्टाइल बनाना भी सीख लिया है, उसके बाल बहुत कर लिए हैं। पीछे हमारा कुछ सामान भरा हुआ है। सो चलो चुनचुन से पूछते हैं, फाइनली वो अपने घर जा रही है, तो उसको कैसा लग रहा है। वैसे उसका मन नहीं था जाने का कियांश को छोड़कर। सो चुनचुन कैसा लग रहा है फाइनली अपने घर जा रही हो तुम? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कियांश के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। ओहो, कियांश के बिना मन नहीं लगेगा, पर जाना तो है ही ना बेटा घर, पढ़ाई भी तो करनी है ना अपनी। Thank you.
निकालते हैं और इनको देखते हैं काटते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं पूजा करके और बहुत अच्छे से प्रसाद चढ़ गया। आरती के टाइम पर हम लोग पहुँचे थे और पूरा कंप्लीट आरती करने के बाद आए। कियांश भी ना, उसने भी इतना पेशेंस दिखाया वहाँ पर, बिल्कुल नहीं रोया, वो बहुत अच्छे से पूजा हो गई हमारी। और अभी बस आकर फेस वॉश वगैरह किया है, बल्कि आज मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट भी था, मैं काफ़ी लेट हो गई इसलिए नहीं जा पाई हूँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वेंसडे में मैंने अब अपॉइंटमेंट लिया डेंटिस्ट से। और बस अच्छे से पूजा हो गई है और काफ़ी थक गए हैं, बस अब सोने जा रहे हैं चेंज करके, फेस वॉश किया है अभी तक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।